अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम प्लेटो वाला घेरदार प्लाजो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने ये स्ट्रेचेबल में, ये देखिए इस तरह से हमने ये स्ट्रेचेबल में 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। इसके हम प्लाजो के लिए 4 डबल में घड़ी डाल देंगे। 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम प्लाजो की पूरी लंबाई लेंगे। प्लाजो की पूरी लंबाई है 37। 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर डॉट करेंगे और यहां से इसे क्रॉस में इसे लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। साइड से हम 2.5 इंच पे डॉट करेंगे इस तरह से। 2 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमें लटक का माप लेना है। चौदह पे हम लटक का माप लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे गोलाई देंगे। हमारे प्लाजो का डायग्राम कंप्लीट हो गया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। साइड से जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसे हम नेफा फोल्डिंग के लिए लेंगे। हमारे प्लाजो को ओपन करते हुए लटक पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ओपन करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच करते हुए दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच पे स्टिच लगाते हुए हमने लटक तैयार कर ली है। अब इसे हम इस तरह से लटक का जो भाग है इसे आमने सामने इस तरह से करेंगे। ये देखिए ये स्टिचिंग और ये स्टिचिंग एक दूसरे को इस तरह से आमने सामने रखेंगे। इस तरह से आमने सामने रखेंगे और जहाँ पे हमारे लटक की हमने स्टिच की है वहां पे हम टेप रखेंगे और 4 इंच पे इसे डॉट लगाएंगे। 4 इंच पे डॉट लगाने के बाद जो हमारा डॉट वाला भाग है उसे हम इस तरह से मैनी के पास लेते हुए प्लेट को तैयार करेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमें 1 और 5 की प्लेट लगानी है। प्लेट लगाने के बाद फिर से हम इस तरह से टेप रखेंगे, 1 इंच पे डॉट लगाएंगे, फिर से 4 इंच पे डॉट लगाएंगे और डॉट के पास इस तरह से रखते हुए हमें प्लेट्स लगानी है। इसी तरह से हम दोनों साइड की प्लेट्स लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी प्लेट्स लगा लिए हैं और पीछे की तरफ से भी हमने इसी तरह से प्लेट्स लगाई है। हमारे प्लेट्स लगाना हो गए हैं। अब हमारा जो नीचे से बचा हुआ कपड़ा था 2 इंच की चौड़ाई में हमने ऊपर से 2 इंच नेफा पट्टी के लिए छोड़ा था। ये कपड़े को यूज करते हैं हम नेफा यहाँ पे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम ये कपड़े को सामने की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। 1/2 इंच पे स्टिच करते हुए यहाँ पे नेफा पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए स्टिच करते हुए हमने यहाँ पे नेफा पट्टी ऐड कर ली है। अब इसे हम स्टिचिंग को इस तरह से अंदर लेते हुए हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगाते हुए नेफे को कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे। ये देखिए नेफा फोल्ड करते हुए हमने नेफे को तैयार कर लिया है। हमारा पूरा नेफा तैयार हो गया है। अब हम बॉटम पे फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये बॉटम ले लिया है। इसे हम 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे, फिर से 1 इंच पे फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करते हुए हम ये बॉटम तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये प्लाजो के घेर पे स्टिच करते हुए यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा ली है। हमारे दोनों साइड की फोल्डिंग पट्टी हो गई है। अब इसके हम सेंटर में 1/2 इंच पे स्टिच करते हुए इसकी फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये घेरदार प्लेटो वाला प्लाजो तैयार हो गया है। प्लेट लेते हुए घेर वाला प्लेट लेते हुए हमने ये प्लाजो तैयार कर लिया है। आपको अगर हमारी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिजाइनिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ।